32 इंच में क्यूलेट टीवी, वो भी 11,000 रुपए में। साउंड स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। सामने भैया टीवी, इस इन्फिनिक्स W1 32 इंच क्यूलेट टीवी की करेंगे हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का W1 QLED सीरीज 32 इंच का मॉडल, 43 इंच 4K में भी ये आ रहा है जो कि 21,000 रुपए का है। दोनों ही टीवी मेरी तरफ से खरीदने लायक है। वीडियो आप देखो पूरी, बिल्कुल जानकारी मिलेगी, लेकिन जो जल्दी में है फटाफट से जाके खरीद लीजिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्टैंड, वॉल माउंट, पोर्ट्स, रिमोट सब कुछ आपको बता दूंगा। यूजर इंटरफेस रहेगा वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, इसके अलावा और क्या बच गया, व्हाट्सएप, या फिर कमेंट करके भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उस अनबॉक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिक्स पावर्ड बाय वेबओएस हब 32W1Q, मॉडल नंबर क्यूलेट टीवी है, 32 इंच में पहली बार देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो, डॉल्बी ऑडियो, थिन क्यू आई सब ये सपोर्ट करेगा। टीवी की पिक्चर दी गई है, नीचे कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 32 इंच HD 80 सेंटीमीटर। फटाफट से इसको खोल लेते हैं। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे अब इसके बाद पोर्ट्स की, रिमोट की, फिर इनिशियल सेटअप, पील्स, यूजर इंटरफेस सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वारंटी के बारे में बता देता हूँ। ये टीवी के साथ मिलेगी आपको 1 साल की वारंटी, जो कि अगर आपको लगता है इनफ नहीं है, तो आप वैसे टीवियों की वारंटी 1 साल की इनफ नहीं होती है, तो आप उसे 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। 4 साल आप एक्सटेंड करोगे, 1 साल मिलेगी, तो 1+4=5 गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जिसके जरिए आप इस टीवी की वारंटी या फिर किसी और टीवी की वारंटी या फिर फैन, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस या लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आप वारंटी को 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। और फिर 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी, एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस बाय कमिंग टू योर होम। और अगर छोटा डिवाइस होगा तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा, और अगर डिवाइस ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज इसे 100-200 रुपए वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना, ये आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। अब बात करते हैं संपूर्ण वीडियो की, पोर्ट्स, रिमोट, सब चीजों की एक साथ। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं 3 HDMI, जिसमें से जो सेकंड वाला है इससे आप साउंड को भी आउटपुट दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जो नंबर 1 वाला है, उसके साथ आपको ईयरफोन का जैक मिल जाता है। अगर आप नीचे वाले पोर्ट्स की बात करेंगे तो आपको एक एंटीना पोर्ट मिलता है, उसके बाद में आपको RCA पोर्ट, एक और USB और लैंड पोर्ट, जिससे आप वायर्ड इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट्स काफ़ी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिज़ाइन है ये बैक में, ये पूरी प्लास्टिक डिज़ाइन है, तो ड्यूरेबिलिटी में वैसे तो अच्छी रहेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी इट कुड हैव बीन मेटल डिज़ाइन, जो कि बाकी 32 इंच में भी आती है, बट दे हैव टू शायद कॉस्ट मनी बिकॉज उसमें क्यूलेट पैनल भी तो लगाया है ना, तो या तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी ले लो या फिर डिज़ाइन अच्छी ले लो, दोनों चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। वैसे देखा जाए तो लुक तो बड़ा अच्छा आ रहा है इसमें, ये ट्रायंगुलर सी कोई डिज़ाइन नहीं, अच्छी लग रही है ऐसे तो, और इसमें वेंटिलेशन के होल भी दिए गए हैं इसी डिज़ाइन के साथ, तो लुक तो अच्छा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी शायद इतनी ना रहे, बट ठीक है, अगर आप टीवी को वॉल माउंट कर दोगे तो इतना कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। दोस्तों रिमोट की बात करें तो वेबओएस के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए आपको इन्फिनिक्स का ये वेबओएस वाला ही एक IR रिमोट मिलता है, ये ब्लूटूथ रिमोट नहीं है। वैसे 32 इंच वाले मॉडल में नहीं है, 43 इंच वाले में आपको मैजिक रिमोट मिलेगा, बट इफ़ यू वांट टू बाय इट द मैजिक रिमोट सेपरेटली यू कैन बाय इट। करीबन 1,000 रुपये के आसपास आता है आपको वॉइस सर्च वाला मैजिक रिमोट, बट ठीक है, इसका टीवी का प्राइस कॉस्टिंग में आपको 12,000 रुपये ही दे रहे हैं वो, उनको कॉस्ट डाउन करनी थी इसीलिए उन्होंने रिमोट बॉक्स के अंदर नहीं डाला है। एंड ये चीज़ मैं जस्टिफाई समझता हूँ कि प्राइस कम रखा है, अगर प्राइस ज़्यादा रखा होता तो मैं बोलता कि भैया रिमोट भी डालना चाहिए था मैजिक रिमोट वाला। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो की कीज़ मिल जाती हैं, ऊपर नंबर बटन्स, उसके साथ साथ आपको चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, डी पैड सब कुछ मिल जाता है। रिमोट तो ऐसे रबड़ वाला पुराने ज़माने का रिमोट है, बट ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन बाय सेपरेटली अगर आप मैजिक रिमोट चाहते हैं तो। 43 इंच 4K वाले मॉडल में आपको बिल्ट इन मिल जाएगा बॉक्स के अंदर ही। Let's have some peels.
तो ये हो गया है टीवी सेटअप दोस्तों, इन्फिनिक्स का 32 इंच में पहली बार क्यूलेट का टीवी है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस टीवी को। वेबओएस की टीवी को याद मतलब वेबओएस के टीवी को सेटअप करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वाईफाई एंड अपने एलजी का अकाउंट। इस 32 इंच वाले मॉडल के साथ आपको ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ब्लूटूथ रिमोट कनेक्ट होने वाला है नहीं हमारा। आपको करना कुछ नहीं है, बस AIThinQ का ऐप डाउनलोड करना है और इस QR कोड को स्कैन करना है एंड टीवी विल ऑटोमेटिकली सेटअप। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद मैं इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह में लॉगिन करने के बाद आपसे डायरेक्टली मिलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है। अभी AC की आपको आवाज़ आ रही होगी, वो मैंने थोड़ा सा कुछ सीन दिखाने के लिए इस टीवी में आपको इसी अभी चला के रखा है अपना। तो जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें आपको होम डैशबोर्ड की सेटिंग मिल जाती है। अब जब आप होम डैशबोर्ड खोलोगे तो इसमें आपके AIThinQ में जितने भी AC या फिर कुछ और भी सिलेक्टेड है या फिर वो एडेड है डिवाइस, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है स्टूडियो AC, टेम्परेचर इज़ 27°C, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने बटन दबाया बंद करने का, आई होप फिर AC बंद हो जाए। हो गई जैसे कि आपने सुना। वापस से हम स्क्रीन पर जाते हैं। तो इस टीवी से आप अपने AC वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये टीवी भी Alexa के थ्रू कंट्रोल हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड OS है WebOS, ये LG की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे Infinix ने थोड़ा सा ट्वीक किया है Infinix पावर्ड बाई WebOS हब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो Netflix, Hotstar, G5, Prime Video, YouTube, Voot ऐप्स और भी इनके ऐप स्टोर से जाके और भी ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर, जियो सिनेमा, एडिट ऐप, सेटिंग्स में जाके आप डिवाइसेस की सेटिंग्स में भी खोल सकते हो। इसके अलावा जो पिक्चर मोड्स हैं ना, इसमें ऑटो वाले मोड जो AI वाले हैं, ये वेबओएस के बेस्ट रहते हैं। विविड, स्टैंडर्ड और ये इनका APS वाला, ये ऑटोमेटिक सब सेटिंग कर लेता है, ये वाला बेस्ट रहता है। ऐसे ही इसके अलावा साउंड मोड में भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक वाला सेट करने के लिए, स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस, क्रिकेट म्यूज़िक, स्टैंडर्ड, सिनेमा। हम यहाँ पर क्लियर वॉइस चूज़ करेंगे। इसके बाद ऑप्टिकल साउंड डिवाइस, मतलब साउंड का आउटपुट कहाँ रखना है आपको। गेम ऑप्टिमाइजर मोड में थोड़ा सा लेटेंसी वगैरह कम हो जाएगी आपकी। कनेक्टेड टू वायरलेस, ऑल सेटिंग्स, एडिट मोड, इसको रहने देते हैं और वापस की होम की स्क्रीन पर आ जाते हैं। ओके, आपको सिंपल सा OS मिलता है जो WebOS है। ऐप्स ड्रॉअर मिल जाता है, ऊपर से लाइव टीवी वाले कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर मान लीजिए एंटीना से चैनल देख रहे हो या फिर अगर आपने अपना सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्ट करके रखा हुआ है तो सेट टॉप बॉक्स के चैनल भी यहीं पर आ जाएंगे। इसके बाद टीवी गाइड, होम डैशबोर्ड, यूज़र गाइड, चेक हाउ टू यूज़ योर टीवी फीचर्स, ये तो टीवी यूज़र गाइड है। होम डैशबोर्ड मैंने अभी आपको समझाया था। एडिट होम में आप अपने होम वगैरह की चीज़ों को सेट कर सकते हो, इधर उधर करना है अगर ऐप्स को। होम डैशबोर्ड, ये मेरे कुछ डिवाइसेज हैं जो कनेक्टेड दिखा रहे हैं इधर, थोड़ा सा नीचे आके फेसबुक, क्रिकबस, गूगल, जो भी थोड़ी बहुत और चीज़ें वो दिख जाएंगी। सबसे पहले अगर ऐप ओपनिंग टाइम की बात करोगे ना, तो जैसे कि हम प्राइम वीडियो में लॉगिन करके रखे हुए हैं तो प्राइम वीडियो को खोल के दिखाते हैं। एंड आई डोंट थिंक, देखो प्राइम वीडियो को नॉर्मली स्टार्ट होने में करीबन 10 से 12 सेकंड लगते हैं। अगर उसमें उतने में स्टार्ट हो जाता है तो आई विल थिंक साफ साफ पता है कि भैया 10 सेकंड से अंदर हो गया है और साफ साफ पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये एंड्रॉयड टीवी से फास्ट है, जो कि है साफ सीधी बात है। WebOS Linux बेस्ड है जो कि बहुत लाइट OS होता है। अभी जो मेन मुद्दा ये है कि ये QLED पैनल है जिसका फर्स्ट बना हुआ है मार्केट में और वो फर्स्ट रियल भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ना कलर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भैया कुछ ना कुछ ट्यूरिंग है, क्योंकि क्वांटम डॉट की लेयर की वजह से थोड़ा सा बेटर कलर्स आपको दिखने वाले हैं। स्टैंडर्ड पे थोड़ी ब्राइटनेस पड़ रही है, विविड पे थोड़ी सी ब्राइटनेस नॉर्मल सी है, APS पे थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जा रही है। तो फिलहाल हम इसे स्टैंडर्ड पे रखते हैं, फिर चेक करते हैं कि कैसी पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है और कैसे कलर्स मिलने वाले हैं। है तो ये 720p का ही पैनल, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने एक क्वांटम डॉट की लेयर ऊपर लगा दी है। लेट्स चेक इट आउट एंड हम इसमें पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। हम अपने USB से लगाएंगे, उसके बाद नेटफ्लिक्स पर या प्राइम वीडियो पर कुछ चला के देखेंगे। इसमें आपको 2 USB के स्लॉट मिल जाते हैं, एक तो नीचे की साइड मिलता है, एक साइड में मिलता है। तो अगर 2 USB एक साथ लगाने में कभी दिक्कत आती है ना पेंडेंट वगैरह, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये है 720p का एक टेस्ट Infinix के 32 इंच QLED TV में और आई डू सी द डिफरेंस अ लिटिल बिट कि क्वांटम डॉट की लेयर से फ़र्क तो पड़ा है कलर्स पे, ये बात तो माननी पड़ेगी। कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस भी एक थोड़े से ना शटल लग रहे हैं, मतलब एकदम जैसे आंखों में चुभते हैं ना, वो वाला सीन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कामनेस लग रही है जब आप देख रहे हो ना सीन्स को, नॉर्मल सीन्स देखते हो तो थोड़ा सा ब्लोन आउट हो जाते हैं ज़्यादा ब्राइटनेस के चक्कर में। क्वांटम डॉट की लेयर से सब कुछ कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है थोड़ा सा एंड आई डू फील कि कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे निखर के आ रहे हैं एंड मज़ा आ रहा है। 10,000-11,000 रुपये का इसका कीमत है, 11,000 रुपये की कीमत में इतने बढ़िया कलर्स के साथ, इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ एक टीवी मिलना जो भी 32 इंच में है। हालांकि 720p ही है बट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, क्वांटम डॉट क्लियर से फ़र्क तो पड़ता है
देखो थोड़ा बहुत पड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक भयंकर हो जा रहा है, नहीं, लेकिन हाँ 32 इंच में इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी शायद मैंने कभी नहीं देखी है। एंड आई डू फील कि बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी एंड डिटेलिंग्स एंड कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। कॉर्नर्स में देखो या बीच में देखो, कहीं भी देखो, तो एक बराबर लाइटिंग एंड बराबर ब्राइटनेस एंड बराबर कॉन्ट्रास्ट के साथ आपको सीन दिख रहा है। नहीं तो 32 इंच की टीवी में ऐसा होता है कि कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लीड होता है तो लाइटिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल LED पैनल होता है, क्वांटम डॉट क्लियर नहीं होती है, तो एक तरह से कलर्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए नहीं हो पाता है कुछ। यहाँ पर ब्लैक लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, OLED वाले तो नहीं है, लेकिन हाँ भैया QLED पैनल में के भी ब्राइटनेस अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि सैमसंग के टीवीज़ में होता है तो ब्लैक लेवल्स अच्छे दिखते हैं QLED में भी, और यहाँ पर QLED पैनल की होने की वजह से बहुत अच्छे ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं। अगर मुझसे कोई कहेगा ना कि ये 1080p की फुटेज है तो शायद मैं मान भी लूँगा, क्योंकि शार्प इनफ दिखा रहा है। एंड ये इन्फिनिक्स का QLED का टीवी 32 इंच के मामले में मेरे हिसाब से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाला है आप लोगों के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो कर रहा है। बाकी आप खरीदोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। स्क्रीन टोन्स वगैरह सब बढ़िया दिख रहे हैं, ब्राइटनेस बहुत अच्छी दिख रही है, एंड सब कुछ मस्त है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो ऑल्सो सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट दिस टीवी। Chasing cash, switching lanes, killing traps. Shabba flex, check out tracks, spitting facts. Kicking cats on a beat of sick and flex. Triple I a scene when we pull up with a gang. Chasing cash, switching lanes, killing traps. Shabba flex, check out tracks, spitting facts. Kicking cats on a beat of sick and flex. I'm bringing the heat like it's 9-11 or July in them. Practice on a preach, I'm supplying lessons, I'm the rhyming seven. Nobody trapping this hard, money motivated for sure. Style is elevated, I saw. Maybe like tall, I hate. Never got torn, I hate. Audio test, my Axel Kata Honky Joe. प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो ऑब्वियस होता है ना दैट डजन नीड टू बी प्रूवन। एंड इस टीवी में भी ऐसा ही सीन लगा है मुझे, क्योंकि इस टीवी में आपको बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं दिया। 95 पे भी मुझे ना बहुत महीन सा, नहीं तो बिल्कुल ही ना के बराबर मुझे डिस्टॉर्शन सुनाई दिया। तो 20 वोट के स्पीकर आई थिंक इसमें, जो कि बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, एंड फॉर श्योर इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप अपने फ़ोन से इस टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि ऐप में जैसे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो माउस पूरा बन के आ रहा है और मैं यहीं से कुछ भी लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ। और इसमें डी पैड का ऑप्शन भी आता है, अगर मैं डी पैड ऑन कर दूँगा तो यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, तो ये फीचर भी अच्छा है। लेकिन मैजिक रिमोट देना चाहिए था, वैसे मैजिक रिमोट नहीं भी है तो फ़ोन से कंट्रोल कर ही सकते हो, ऐसा कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई लव द टीवी, आई लव द यूज़र इंटरफेस, आई लव द पिक्चर क्वालिटी एंड आई अडोर द ऑडियो क्वालिटी फॉर श्योर। दिस इज़ अ टोटल ऑल अराउंड टीवी इन 32 इंच। इफ दिस कम्स विद अ मैजिक रिमोट, अगर 12,000 रुपये भी ले रहे हो आप, 12,000 तो भी ले रहे हो, अगर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा 13,000 भी ले रहे हो एंड यू गिव द मैजिक रिमोट, और मैजिक रिमोट साथ से अलग से अटैच करने का कुछ ऑप्शन आ जाए, एड ऑन करने का ऑप्शन आ जाए, दिस टीवी विल बी द बेस्ट टीवी इन 32 इंच फॉर श्योर। बट दिस रिमोट IR रिमोट के साथ में नहीं, IR रिमोट ढंग से काम भी नहीं कर रहा है, एक बार कभी मिस कर जा रहा है एंड द एक्सपीरियंस इज लैकिंग। बट अगर मैं फ़ोन से चलाऊं तो माउस वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फ्लूइड है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो टीवी तो मस्त है, टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि रिमोट इज़ नॉट गुड। रिमोट और अच्छा हो सकता था, आई सजेस्ट बाइंग LG मैजिक रिमोट या फिर कोई और मैजिक रिमोट जो आपको अलग से अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे मैजिक रिमोट्स की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी सब बढ़िया है। डिजाइन में थोड़ा सा पीछे मैं कहूँगा, लेकिन बाकी किसी भी चीज़ में ये टीवी पीछे नहीं है। 32 इंच में इससे बेहतर टीवी ले पाना या फिर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। OnePlus Y1S टक्कर का टीवी आया है, बच के रहना, क्योंकि OnePlus Y1S से बेहतर लग रहा है ओवरऑल। बस ये थोड़ा सा रिमोट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं तो इससे बेहतर टीवी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, यू कैन हैंग आउट विद मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड व्हाट्सएप, को सवाल पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।